निगेटिव इवोल्यूशन ये सिजोफ्रेनिया का एक और लक्षण है। इस लक्षण में क्या होता है कि आप कोई भी काम को कर दे जाइएगा ना, तो उसको टाल मटोल करिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई चीज पढ़ना है, मान लीजिए सपोज कीजिए कुछ याद करना है, दो पे हमने आपको बोल दिया कि कल आप रिवाइज करके आइएगा पूरा चैप्टर। आप जाएंगे रिवाइज करने, सोचेंगे रुको थोड़ा सा मुंह धुल लेते हैं, जाएंगे मुंह धुलने, एक बोतल लेके पानी बैठ जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर पानी पिएंगे, फिर पानी पिएंगे, पेशाब लग जाएगा, पेशाब करने जाएंगे, कहेंगे थोड़ा सा मोबाइल देख लेते हैं, व्हाट्सअप देख लेते हैं, व्हाट्सअप पे गए थोड़ा सा देखने के लिए आधा घंटा हो गया, तब तक हमें कोई लिंक दे दिया, व्हाट्सअप से घुस गए लिंक पे क्लिक करके यूट्यूब पर, अब यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपका दिमाग कहेगा अरे यार छोड़ना इसको, आप कहेंगे अरे थोड़ा सा, फिर दिमाग कहेगा यार पढ़ना है टाइम नहीं है, अरे थोड़ा सा और थोड़ा सा, तो फेसबुक पे कोई नोटिफिकेशन आ जाए इस पे चल जाए। ऐसे करते 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 आप अपने टाइम बहुत ज्यादा लॉस कर देंगे, और आपके दिमाग का एक हिस्सा है जो डेली आपको बोलता है यार तुम गलत करते हो, फिर आपका दूसरा दिमाग कहेगा कि नहीं एक काम करेंगे कल टाइम टेबल बनाएंगे हमको कैसे कैसे करना है, और वो टाइम टेबल आप बनाएंगे और दो दिन से ज्यादा फॉलो नहीं होगा, क्योंकि आपका एक दिमाग सिजोफ्रेनिया के हिसाब से ग्रस्त हो चुका है और आप इसे नहीं कर पाएंगे। और आज हिंदुस्तान बर्बाद हुआ है केवल और केवल सिजोफ्रेनिया से, और हमारे देश का जो ये आपका शिक्षा मंत्रालय है या फिर जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, इनको कोई मतलब नहीं बनता है कि स्टूडेंट्स किस समस्या से पीड़ित हो रहा है, और टीचर भी इसको एज ए टॉपिक पढ़ा के चले जाते हैं। ये एज ए टॉपिक नहीं है बाबू, ये आपके लिए एक एटम बम है, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, इसमें से किसी ना किसी को लेके आप कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। इसमें अगर देखिए, समझ रहे हैं कि नहीं आ रहा है जी, इसमें क्या बोला सर जी, जो भूत खेलते आ रहे यार ये सब बीमारी है, निगेटिव इवोल्यूशन बहुत होता है, आई हैव निगेटिव इवोल्यूशन, चलिए जाके इलाज करा लो निगेटिव इवोल्यूशन में, थोड़ा सा में सही हो जाता है निगेटिव इवोल्यूशन में, आप किसी भी काम को नहीं कर पाते हैं। जैसे निगेटिव इवोल्यूशन का एक और एग्जाम्पल देते हैं, आज से 2 या 4 साल पहले आप दिन में 8 घंटे पढ़ लेते होंगे, 6 घंटे पढ़ लेते होंगे बहुत बेहतरीन ढंग से, लेकिन आज आप उतना नहीं पढ़ के उससे कम पढ़ ले रहे हैं, ये हो जाता है। एक आदमी थे यूट्यूब पे वीडियो बनाते थे, हम उसको बताएंगे नहीं, हालांकि बहुत अच्छे थे वो, 8-10 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं, तो यूट्यूब वालों को अपने से थोड़ा सा जान पहचान रहता है, तो हमसे फोन किए, कहे जानते हैं खान सर हमको एक प्रॉब्लम है, पहले हम दिन में 4-4 वीडियो अपलोड कर लेते थे और ड्यूटी भी कर लेते थे सब कुछ, आज लॉकडाउन में कोई काम नहीं है लेकिन बमुश्किल हम 2 दिन में 1 वीडियो अपलोड कर पाते हैं, हम कहे कि काम ज्यादा करते हो, कहे सर कोई काम नहीं करते हैं, लेटते हैं तो तकिया को 3 बार मोड़ लेते हैं इसे, और सोचते सोचते दिन निकल जाता है कि ये करना है ऐसे करना है, बर्बाद कर देंगे आगे जाके ये करेंगे ये वो, दुनिया भर काम के भैया अब चुपचाप इलाज करा लो, आपको क्या है निगेटिव इवोल्यूशन है, 2 महीना दवा खाया सही हो गया, अब धड़ाधड़ बना रहे हो। कभी किसी व्यक्ति अगर आपको अपना समझ के कोई पर्सनल बात बताया ना, तो उसे किसी और से बताइएगा नहीं, ये लड़कों से कह रहे हैं, लड़कियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे लड़की से अगर कुछ कह दीजिएगा ना कि सुनो ये बात जरूरी है किसी से बताना नहीं, वो पूरे मोहल्ले को बता देगी, और उससे भी यही कहेगी कि किसी से बताना नहीं, पूरे एरिया की लड़कियों को पता चल जाएगा कि क्या बात है, और क्या, और सबके साथ ये भी रहेगा कि किसी को बताना नहीं, किसी को नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना, सबको बता, किसी से बताना नहीं, किसी से बताना नहीं। इसलिए लड़कियां अगर किसी बात को छिपा लेंगी, ये इस दुनिया का 8वां अजूबा हो जाएगा। निगेटिव इवोल्यूशन समझ में आ रहा है, इसमें से आप लोग ग्रस्त होंगे, लोग यहाँ पर कोई 6 घंटा पढ़ता होगा, अब वो पढ़ ही नहीं पा रहा है टेंशन में, तो याद करता हो यार हम कितने ज्यादा पढ़ाई करते थे, ये है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, समझ में आ गया। ये सारी की सारी लक्षण सिजोफ्रेनिया का है, और किसी भी व्यक्ति में ये सारा नहीं दिखता है, कोई एक दिखता है जिसे वो मामूली हेडेक या डिप्रेशन कह के निकाल देता है, और निकालो बबुआ ये जितना जल्दी इलाज करोगे उतना कम दवा खाना पड़ेगा, और अगर ये बीमारी यार किसी किसी में 15-15 साल से है, आप जान के तजुब करिए कोई लड़का में ये बीमारियां होती हैं, निगेटिव इवोल्यूशन या अकेले में बात करना, ये कक्षा 5 से वो करते आ रहा है, ये सारी चीजें उसको होती है, वो 15-15 साल बाद लोगों को पता चलता है, इलाज करा लो जल्दी से सही हो जाएगा, 6 महीना 1 साल 2 महीना, जितना जल्दी इलाज करोगे उतना कम दवा खाना पड़ेगा, ज्यादा देर कर दोगे तो ज्यादा दवा खाना पड़ेगा, नॉर्मल हो सकता है इसमें, ये होती है सिजोफ्रेनिया, इसका इलाज न्यूरो यानी ब्रेन वाला सर्जन नहीं करता, ना तो चीर फाड़ देगा, न्यूरो फिजिशियन करेगा, और उसे कहिएगा कि सर हमें सिजोफ्रेनिया है, और उसको कहिएगा देखिए सर हमको कोई आवाज वाज नहीं सुनाई देता है, हमको कोई डाउट सकोक नहीं रहता है, या फिर हम अकेले में बात करते हैं तो बताइए ये चीजें, तो डॉक्टर आराम से आपका इलाज कर लेगा, उसको लगेगा नहीं पढ़ा लिखा इंसान है, वो समझ जाएगा खान सर का स्टूडेंट, किसी को दिक्कत है सिजोफ्रेनिया में, सिजोफ्रेनिया में कोई डाउट नहीं है, कल ये समझा रहे थे नौटंकी कर रहा था, अब बताओ किसको क्या दिक्कत है सर, हम श्योर हो गए निगेटिव इवोल्यूशन
देखो बबुआ यार तुम लोग पागल हो क्या, कह रहे कि सर निगेटिव एवोल्यूशन भी जेनेटिक्स होता है क्या? यार ये सारा चीज सिजोफ्रेनिया का हिस्सा है, ये ए टू जेड चीजें किसकी हिस्सा है सिजोफ्रेनिया का, कोई अलग से थोड़ी बता रहे हैं हम, या फिर वो हेलुसिनेशन और डिल्यूशन अकेले में बात करना, ये सारा का सारा चीज जेनेटिक्स होता है। आप देखिएगा आपके दादा, अगर आपके पिताजी दादाजी बात कर रहे हैं, मान के चलिए आपके कुछ कुछ ऐसे बात करते, तो आपके भाइयों में भी कुछ कुछ ये लक्षण दिखेगा। अब होता क्या है कि एक चीज से दूसरी चीज में फोटोकॉपी कीजिएगा, जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है फोटोकॉपी करना, तो एक चीज को रख के फोटोकॉपी कीजिएगा, इसको हटा के फिर इससे फोटोकॉपी कीजिएगा, इससे फोटोकॉपी कीजिएगा, तो 8-10 बार कीजिएगा तो एकदम धुंधला आ जाता है, तो वो कंप्लीट वो लक्षण नहीं आता है। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है फोटोकॉपी करना, हर बार पेज बदल के फोटोकॉपी करना। मान लीजिए आपके पिताजी में है तो वो ओरिजिनल हो गए, उससे फोटोकॉपी कीजिएगा तो आप में ज्यादा आएगा, अब पिताजी को हटा दीजिए अब आपका फोटोकॉपी जाएगा, लड़के में वो थोड़ा और कम होगा, इसे आठवें पीढ़ी में जाके खत्म हो जाता है। जेनेटिक्स इज नॉट मोर देन बट इज लाइक अ फोटोकॉपी मशीन, अंडरस्टैंड सर? प्रेग्नेंट लेडी के साथ भी होता है भाई, हो सकता है प्रेग्नेंट लेडी में ये नियम वियम नहीं लगता, क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी का मतलब क्या होता है, वो अकेले तो है नहीं, उसके साथ दो लोग हैं, तो उसमें कुछ अलग ही हो जाते हैं सब, उसको कमजोरी वगैरह हो जाता है, तो वो एक अलग मैटर है। अरे बकलवा सूरज कुमार बोल रहे हैं कि इसका क्योर क्या है, भैया हम डॉक्टर थोड़े हैं यार आप समझो यार, इसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, 6 साल की पढ़ाई करता है, हम तो आपको ये डॉक्टर से मिलकर बता रहे हैं, ये हमको खुद नहीं उतना इसके बारे में पता था, हमें इस ये बात एक डॉक्टर ने बताया तो हम आपको बता रहे हैं। हम कह के भाई बढ़िया बात है, ये तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है, आप बता दीजिए बता दीजिए। हम उन डॉक्टर को फीस दिए, उनको लगा कि हम इलाज करने आए हमने इलाज नहीं करा रहा था हमको, हम उनसे ये पूछे कि भैया हमने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया है, हम ये सारी चीजों को देखे, मेरी पटना में सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, रात में वो लाइब्रेरी चलती थी तो मोबाइल से ही सीसीटीवी कैमरा अटैच रहता, आज आप कहीं भी रहिए कहीं के कैमरा को देख सकते हैं, आपके पास बस उसका पासवर्ड रहना चाहिए। हम देखते थे कि लड़का ना मोबाइल लिया है ना कुछ, टहल रहा है रात में 2 बजे, बात कर रहा है किससे, अरे भैया मोबाइल वोबाइल रहता है तब ना, तो हम समझे यहाँ पे तो डॉक्टर को हम फीस दे के ये सब चीजें पूछे, तो ये बेहतर एक अच्छे से डॉक्टर से मिलिएगा। और देखिए ब्रेन के मैटर पे कोई छोटा मोटा डॉक्टर नहीं, आपको अगर ब्रेन से रिलेटेड है तो दिल्ली आ जाइए, अच्छा है एम्स वगैरह में दिखा लीजिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके, समझ में आ रहा है? किस विभाग के डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे? अरे कहीं का वो डॉक्टर जो ना डिलीवरी कराता होगा ना, उससे कंसल्ट कर लेना, कहना कि सिजोफ्रेनिया हो गया पूछता किस डॉक्टर से अरे यार ब्रेन से बीमारी है, ब्रेन का न्यूरोफिजिशियन कौन होता है, न्यूरोफिजिशियन से इलाज कराना। अंडर आई सर्किल ये टेंशन से होता है, ये यहाँ पे एक काला दाग हो जाता है, आंख के नीचे देखेंगे ना काला धब्बा बनने लगता है, ये 2 वजह से होता है, कमजोरी और एक्सेस टेंशन से।